हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं चटपटी चीजी सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसे आप सुबह नाश्ते में, शाम को चाय के साथ या टिफिन में कभी भी बना सकते हैं। इसमें ज्यादा तेल घी भी यूज नहीं होता है, तो ये हेल्दी भी है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये चटपटी सैंडविच की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम चटपटी चीजी सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। सैंडविच बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है 4 ब्रेड। यहाँ पे हमने ब्राउन ब्रेड लिया है, आप व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। बटर, चीज, स्लाइस आलू जिसे हमने बॉयल करके स्लाइस में काट लिया है, स्लाइस टमाटर, ओनियन, टोमेटो केचप, ग्रीन चिल्ली सॉस, सॉल्ट, ब्लैक पेपर। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक खाली प्लेट लेंगे और उसमें हम 2 ब्रेड लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक ब्रेड पे टोमेटो सॉस लगाएंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम दूसरे ब्रेड पे ग्रीन चिल्ली सॉस लगाएंगे। तो ऐसे हम चिल्ली को भी फैला लेंगे। अब बच्चों के लिए बनाना है तो थोड़ा सा चिल्ली पेस्ट कम डालिए, बड़ों के लिए तो ये चटपटी बनानी है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे स्लाइस ओनियन, स्लाइस पोटैटो, स्लाइस टमाटर और हम इसके ऊपर सॉल्ट डालेंगे। तो चुटकी भर हम इसके ऊपर सॉल्ट डालेंगे, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और हम ब्लैक पेपर डालेंगे तो इसे भी हम चुटकी भर डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर चीज को ग्रेट करेंगे। तो ये मेरा मोजरेला चीज है। चीज आपको ज्यादा पसंद है तो ज्यादा डालिए, कम पसंद है कम डालिए, पर ये बड़ा ही मजेदार सैंडविच तैयार होता है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे ब्रेड को ऐसे उठाएंगे और इसके ऊपर हम कवर कर लेंगे और हल्का सा हम प्रेस कर देंगे। तो अब हम ऐसे ही एक और ब्रेड का सैंडविच तैयार करेंगे। तो हम सेम प्रोसेस से एक पे ग्रीन चटनी लगाएंगे और दूसरे पे हम टोमेटो सॉस लगाएंगे। तो यहाँ पे तीखी मीठी चटपटी सैंडविच बनेगी। तो हमने दोनों पे ऐसे फैला लिया। अब हम इसपे आलू का स्लाइस डालेंगे। ओनियन, टोमेटो, अब हम चुटकी भर इसपे सॉल्ट डालेंगे, ब्लैक पेपर, जरूरत के अनुसार हम मोजरेला चीज डालेंगे। इसे भी कवर कर लिए। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। तो गैस पे हम एक तावा या पैन लेंगे और गैस को हम ऑन कर लेंगे। पैन को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। पैन गर्म हो चुका है,
अब हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच बटर। तो हम बटर को इसमें ऐसे फैला लेंगे। अब हम उसमें आराम से सैंडविच को डालेंगे और हल्का सा हम प्रेस कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सैंडविच को थोड़ा सा प्रेस कर दिए। अब हम एक कवर से इसे कवर करके 2.5 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे सेक लेंगे। 3 मिनट हो चुका है, अब हम चेक करेंगे। तो ढक्कन को हम हटा देंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ भी हम एक बार बटर फैला देंगे। तो ऐसे हम बटर को फैला लेंगे। आप बटर ज्यादा पसंद करते हैं तो ज्यादा लगाइए, कम पसंद करते हैं तो कम भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम बिना घी का बहुत ही बढ़िया सैंडविच बना सकते हैं। अब हम 1 चम्मच के सहारे इसे फ्लिप करेंगे। तो हम आसानी से इसे ऐसे फ्लिप कर लेंगे। आप ध्यान से देखिए कितना बढ़िया सैंडविच का कलर आया है। तो हम इसे बिना ढके 2 से 3 मिनट तक दूसरे साइड से भी सेकेंगे। 3 मिनट हो चुका है, अब हम ब्रेड को निकाल लेंगे। तो हम चम्मच के सहारे इसे दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से हम दूसरा भी ब्रेड ऐसे ही सेकेंगे। हमने दोनों सैंडविच सेक लिए हैं, अब हम इसे काटना बताएंगे। हम इसे कोई हार्ड चीज पे रखेंगे और एक तेज धार वाली नाइफ से इसे काटेंगे। तो आप आवाज सुन सकते हैं कितनी क्रिस्पी सैंडविच तैयार हुई है और खाने में तो इसका जोड़ नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया चीजी सैंडविच बनकर तैयार हुई है। तो ऐसे ही हम दूसरा भी सैंडविच काट लेंगे। चीजी सैंडविच बनकर तैयार है। तो आपने देखा हमने बिना ग्रिल का पैन में ही कितना बढ़िया क्रंची सैंडविच तैयार किया है। ये खाने में तो बड़ा ही टेस्टी होता है और बनाना भी बहुत ही इजी है। इसे आप स्नैक्स में, टिफिन में कभी भी बना सकते हैं। ये बहुत इजी और टेस्टी रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये सैंडविच की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।